100 नंबर फोन कर रहा हूँ, बोलो यहाँ बम मिला है मुझे। काहे बम? जरा बम। काले सुल्फा के जाल देख कर है बुरा हाल, लाल होठाए वाली हंसी रह गवाही भर। तो और भी शर्मा जाए तुम्हें देख। तू हंसे कलियां खिल जाए, तुझे देख के और भी शर्माए। सच में तुम बहुत। जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है। पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है, एकदम से पेट में दर्द होने लगा। क्या हो गया? नहीं बता सकती ना मैं हर चीज तुम्हें, थोड़ी ना बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? चलो आओ, चलो डॉक्टर के पास। नहीं जा सकती, बहुत दर्द हो रहा है यार, है ना, पीरियड हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी सना खान। तो गाइस आज मैं आई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज का वीडियो होने वाला है, मैं आज करने वाली हूँ सोशल एक्सपेरिमेंट, और वो होगा पीरियड्स के ऊपर। तो लाइक जैसे बहुत सारे लोग हैं मतलब पीरियड्स को थोड़ा सा ऐसे देख के गंदा सा समझते हैं, और मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ हो गई हो, बट ये नॉर्मल है यार, हो जाता है गर्ल्स को तो, और जो मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ है तो ये हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को इतना कोई बड़ा बिग डील ना, मतलब इस चीज़ को बड़ा ना समझे, ठीक है। तो आज मैं करने वाली हूँ सुमेश पे ये सोशल एक्सपेरिमेंट। अब मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मुझे जैसे पीरियड्स हो जाते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है। और ये मैं एकदम से बोलूँगी यार मैं पीरियड्स हो गई, मैं आते ही नहीं बोलूँगी कि यार मैं पीरियड्स हो गई, थोड़ा सा बीच में बोलूँगी कि ठीक है। तो गाइस वो जब थोड़ी देर में आएगा, हालांकि मैंने उसे बुला लिया है, तो थोड़ी देर में आने वाला होगा, और देखते कैसे रिएक्शन होता है उसका और कैसे रिएक्ट करता है। तो वीडियो को पूरे लास्ट एंड तक देखना, वीडियो बने रहना गाइस। तो लव यू गाइस, और जाके जल्दी से मेरे मीसना 97 को फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे। तो अब मैं कॉल कर लेती हूँ, हालांकि मैंने उसे बोल दिया है, तो अभी देखते हैं। मामा डर गई मैं तो। हाय हाय, कैसी हो? बढ़िया, सूट चल रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे दिल में बैठा हूँ। मेरे दिल में बैठी हो? बकवास नहीं, जल्दी आओ, कहाँ हो बताओ ना। आ रहा हूँ रास्ते में, ठीक भी आ रहा हूँ। कितना टाइम लगे? पहुँच गई हूँ, कब से वेट कर रही हूँ। कितना टाइम लगेगा तुमको? बस ठीक हूँ, एक घंटे में पहुँच जाऊँगा। तुम्हारे रेडी शेडी होके आई हो, तुम ही नजर नहीं आ रहे हो, हद है यार, कभी तो टाइम से आ जाया करो। एक दो घंटे में पहुँचता हूँ। ठीक है जल्दी आओ। हाँ, एक दो घंटे में, पागल हो तुम? बकवास नहीं, जल्दी आओ। हाँ ठीक है, तो तुम्हें बोलता हूँ। ठीक है जल्दी से आओ। हाँ ओके, बाय बाय बाय, लव यू टू, बाय। हाय हाय, इतना टाइम लगाता है कोई? इतना टाइम लगाते हैं कोई? हद है यार, हद है यार, क्या है ये, क्या है ये, बदतमीज। मुंह तोड़ दूंगा दोबारा, हाथ उठा। मैं भी तोड़ दूंगी तुम्हारा मुंह, बकवास करा दो। ओहो आज तो एकदम साफ। कैसी लग रही हूँ? है वो वाला गाना सुना है, ओ हसीना जुल्फ ऐसी लग रही हूँ मैं, देख लो टोटल। ओ हसीना जुल्फ वाली जाने जहाँ, है ना, ओ हसीना जुल्फ वाली जाने जहाँ। मैं तो हमेशा खेल जाती हूँ तुझे देख के, कलिया खेल। मुझे लगा आगे कुछ बोलोगे। अरे तो बोलता हूँ, और भी शर्मा जाए तुम्हें देख। तू हसे कलिया खिल जाए, तुझे देख के और भी शर्माए। क्या नाम है उसका? सना। बस बस रहने दो, ज्यादा तारीफ मत करो मेरी। हाँ इतनी भी अच्छी नहीं हो तुम, ठीक है, नहीं अच्छी लग रही। हाँ ज्यादा भी तारीफ करने से ना लोग सर पर चढ़ जाते हैं। मैं तो नहीं चढ़ती सर पे, कहाँ चढ़ के बैठी तुम्हारे, बताना कब बैठी। मैं तो फोन कर रहा हूँ। किसको? 100 नंबर फोन कर रहा हूँ, बोलो यहाँ बम मिला है मुझे। हैं पागल हो? काहे बम? जरा बम। काले सुल्फा के जाल देख कर है बुरा हाल, लाल होठाए वाली हंसी रह गवाही भर। पागल इंसान, एकदम से निकल जाता है क्या तुम्हारा डायलॉग? डायलॉग क्या डायलॉग, थोड़ी है वो, तो बम जैसी लग रही तो बोल दिया। आ तो लेंस वेंस लगा के साला, दिवाली दिवाली दीपक की तरह जल रही है साहब। बस यार अभी मुझे ज्यादा कसम से तारीफ। हाँ चलो ठीक है, शर्माती हूँ मुझे देख के बहुत ज्यादा हो गया। कितना? इतना बहुत सारा। फ्रेंच किस करो बराबर? कुछ भी, अभी तो इतना प्यार हो गया, लो कर लो। चलो तुम अब क्या हो गया, करो मन था ना, कर लो। चलो डेट पे जाओगी तुम? डेट पे चल लूंगी। हाँ। लेके चल लोगे और क्या, मैंने सोचा आज इस तरह की ड्रेस पहन के आई हूँ तो आज तुम मुझे लेके चलो। नई ड्रेस पहन के आती हो, सही है ना? जब जब तुम्हें देखता हूँ ना प्यार हो जाता है।
बस हो गया तुम्हारा? कहते हैं प्यार एक बार होता है, पर मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ मुझे हर बार होता है। क्या हो गया? कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। क्या हो गया? अरे कुछ भी नहीं हुआ, बताओ। ऐसे क्यों कर रही हो? वो ऐसे क्या बोलूँ? चलो ठीक है, चलो आओ। नहीं मेरा मन नहीं है। नहीं कुछ नहीं। क्या हो गया तुम्हें? एकदम से पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द? हाँ। क्यों, खाना नहीं खाया? खाया लेकिन पता नहीं अजीब सा दर्द, पता नहीं एकदम से दर्द हो रहा है। प्यास लगी है? हैं, भूख लगी है? नहीं यार। तो क्या चाहिए? पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है। चलो आओ, चलो डॉक्टर के पास। नहीं जा सकते, बहुत दर्द हो रहा है यार। क्या हुआ है? कैसे बोलूं? क्या हो गया? नहीं बता सकती ना मैं हर चीज, तुम्हें थोड़ी ना बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे नहीं बता सकती हो? गुस्सा मत लगाओ, बताओ क्या बात है। इरिटेट मत करो वैसे। मैं इरिटेट कर रहा हूँ? कर रहे हो तुम। तुम नहीं बता के मुझे इरिटेट कर रही हो। क्या है, जाओ तुम यहाँ से अभी जाओ। बोलो भाई, बताओ ना यार खाना। चलो आओ डॉक्टर की बात। नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं उठ नहीं सकती। उठ नहीं सकती? तो पैर काम नहीं कर रहे क्या? अरे यार पैर काम कर रहे बट उठ नहीं। अरे पागल हो गया तुम, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। क्या हो गया? मैंने पीरियड हो गई अभी। हाँ अभी, अभी हो गई। अभी तो तुम ठीक थी। अचानक से हो गई सडनली। कभी भी हो जाते हैं? कभी भी नहीं, डेट था, टाइम था, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं होंगी। तो कहाँ वो अपने? मैं लाई नहीं, कुछ भी नहीं रखती। नहीं लाई, रखना चाहिए ना वॉलेट। गलती कर दी ना मैंने। अरे ये तो तुम्हें नेचुरल चीज़ है तो तुम्हें पता रहना चाहिए ना। अब मैं क्या करूँ? अब कपड़े खराब हो गए मेरे। चलो एक काम करूँ, तो फिर क्या हुआ, मैं लेके आऊँ? नहीं ऐसे कैसे, प्रोटेक्शन होता है, मैं लेके आता हूँ। कहाँ से लेके आओगे? यहाँ शॉप है कोई, पता है तुमको? इधर है ना मेडिकल, बी ब्लॉक में है। हाँ तुम जाओगे? क्यों, कौन जाएगा फिर? हाँ तुम ही जाओगे। ऐसी बातें कर रही हो? या तो मेरे साथ चल लो या फिर यहीं वेट कर लो। मेरे कपड़े खराब हो गए हैं यार, इधर लोग खड़े हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे। तुम शर्ट उतारोगे और बांधोगे तो क्या होगा? मैं शर्ट बांध देता हूँ उसमें। तुम क्यों नहीं रहने दो, तुम अपनी शर्ट क्यों खराब कर रहे हो? खराब और क्या, तुम्हारी प्रॉब्लम से बढ़कर है क्या ये शर्ट? यार ठीक नहीं लग रहा मेरे। मैं कह रहा हूं, मैं सारे कपड़े नहीं ना रहने दो ना। पागल हो क्या? कपड़े खराब हो जाएंगे, तुम्हारी शर्ट खराब हो जाएगी। इतनी अच्छी शर्ट है तुम्हारी। कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। पागल हो, लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं? हां लोगों को। तुम्हें अजीब नहीं लगा मुझे पीरियड्स हुए? हैं? हाँ मुझे क्या अजीब लगेगा, कैसी बातें कर रही? तो नेचुरल चीज है यार, सबको तो है यार। किस लड़की को नहीं होते मुझे ये बताओ? किस लड़की को नहीं होते? हर एक लड़की को होते हैं। वही तो नहीं, कुछ लोग हैं ना जिसको बहुत मजाक बनाते हैं, गंदा समझते हैं। पागल, ये भगवान का प्रोसेस है ये समझ लो, ये तो नेचुरल प्रोसेस ही, ये तो होगा ना सबके। हैं तुम सच में बहुत अच्छे हो यार। पागल हो तुम, अच्छे वाली क्या बात है। मेरे को लगा नहीं कि तुम इतना मेरा केयरिंग करोगे, पैम्परिंग करोगे। तुम सच में इतने अच्छे हो, सीरियसली यकीन नहीं हो रहा। वैसे तो तुम बहुत अच्छे हो यार। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है। तुम सच में इतने अच्छे हो? हाँ क्या हुआ? नहीं सीरियसली तुम बहुत तो, अच्छे हो यार। तो मेरे अच्छे वाली क्या हुआ? अपनी शर्ट दे दी, सोचा नहीं गंदा हो जाएगा। अरे तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें इसमें क्या गलत हो गया, तो सॉल्व करना चाहिए ना। चलो आओ, अब तुम साथ चलोगी या फिर जो है मैं लेके आऊँ? मैं बैठ भी नहीं सकती ना, बैठूंगी तो तुम्हारी शर्ट खराब हो जाएगी। पहले बैठो। नहीं तुम समझो, मेरी कसम बैठो ना, मतलब शर्ट शर्ट तुमसे बढ़कर है? नहीं बढ़कर नहीं है। तो फिर मैं कह रहा हूँ तुम यहीं बैठो या मेरे साथ चलो, मैं यहीं लेके आता हूँ। फिर नहीं, मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे। पक्का? हाँ साथ चलो मेरे। चलो चलो, ये वाला हाथ बैग में ले ले। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताऊँ, एक बात बताऊँ। क्या हुआ? अभी तुम चल लेंगे, एक मिनट रहो इधर। पहले सुन तो, एक बात पहले एक, बात बाद में बताना, पहले जो चीज़ जरूरी है उसे करो। हाँ ले लेंगे ना, एक एक मिनट तो सुनो तो। एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ इधर। तुम ना सच में बहुत अच्छे हो पता है, सीरियसली बता रही हूँ। नहीं तुम पहले सुनो मेरी बात। तुम ना सच में बहुत अच्छे हो, मुझे ना लगा नहीं था कि यार सच में तुम बहुत अच्छे। जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा। एक बिल्कुल ना
परफेक्ट हस्बैंड हो बिल्कुल, जैसे एक एक लड़की को चाहिए होता है ना, एक लड़के का एक जो मतलब कि वो उसको लेके केयरिंग करे, पैम्परिंग करे, उसका ख्याल रखे, मतलब तुम तुम पूरे परफेक्ट हो, मतलब ऐसे तुम्हें बनाया है सच में ऊपर वाले ने। नहीं मैं सीरियसली बता रही हूँ, और ना मैं ना तुम पे ना सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी पीरियड्स का, मुझे कोई पीरियड्स वीरियड्स नहीं हुए, सामने मैंने कैमरा लगा रखा है ठीक है, तो ना सीरियसली तुम ना बहुत अच्छे हो पता है, और सामने मैंने कैमरा लगा रखा है कि मतलब जो लोग जिसको बहुत मजाक गंदा लेते हैं ना, तो उनको भी पता चले क्या दुनिया में तुम्हारे जैसे भी लोग हैं जो जिसको इतना नॉर्मली लेते हैं और अच्छे से ट्रीट करते हैं। पहले बैठो, तो गाइस ये ना एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे हमें कभी गलत नहीं लेना चाहिए, अगर ये सब चीज़ें ना होंगी तो हो सकता है फ्यूचर में कि आप कभी ना बाप बने, ना आपकी कोई बहन होगी, ना आप किसी माँ के बेटे होंगे, अगर ये सब चीज़ें ना होंगी तो शायद आपका जन्म भी नहीं होता। और गाइस सीरियसली ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यार, तो हर गर्ल्स वुमेंस को हो जाता, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसका मजाक बनाओ, अगर कोई लड़की ऐसे हालात में है तो आप प्लीज़ उसकी हेल्प करो ठीक है, उसको ऐसे मजाक में लेके उसका मजाक मत बनाओ ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि 99% लोग आज के टाइम में इस सब चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, बट 1% भी है वो भी ना करे, 100% लोग सारे यही सारे अगर चीज़ को माइंड करते होंगे, अपने इस चीज़ को सोच के नेगेटिव थिंक रखते होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं, और जो लोग रखते हैं तो वो चीज़ों से हमारी इस वीडियो से मैं बोलूँगा शायद उनकी भी जो है थिंकिंग चेंज हो जाएगी, तो ये तो नेचुरल चीज़ है सबको होती है, कभी माइंड मत करना। बाकी वीडियो कैसा लगा आप बोलना है कुछ? हाँ तो गाइस वीडियो कैसी लगी, और सुमेश पे तो मैंने कर दिया सोशल एक्सपेरिमेंट पीरियड्स का, बट इसका तो रिएक्शन बहुत अच्छा आया, नॉर्मल आया और इतना केयरिंग आया, तो मैं मतलब मैं खुद को समझ नहीं पाई कि यार इतने अच्छा इंसान है ये, मतलब इतना प्यार करता है ये, तो सोच लो मतलब ये अच्छा बेटा, अच्छा हस्बैंड, अच्छा भाई, मतलब ये सब तरफ से ना एक वो क्या कहते हैं उसको, समझ जाओ जो मैं बोलना चाहती हूँ, अच्छा इंसान है मतलब ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, आई लव यू गाइज़।